क्या हो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ना हो, यहाँ पे आपको एक्सेल की सीट नहीं बना पाओगे, पावर पॉइंट पे अपनी प्रेजेंटेशन नहीं बना पाओगे और यहाँ पे वर्ड्स पर अपने डॉक्यूमेंट्स टाइप नहीं कर पाओगे। अगर ऐसा हो, आपके पीसी में वर्ड ना हो, तब आप क्या करोगे? चलिए मैं बताता हूँ आप क्या करोगे। आप इस गूगल पर जाओगे, इस पर दुनिया जाती है, उसी पर आप जाओगे। आप लिखोगे यहाँ पे गूगल डॉक्स, इतना टाइप करिए, एंटर दबाइए। अब देखिए ये जो फर्स्ट रिजल्ट है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये देखिए गूगल और यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे आप वर्ड जैसे ही डॉक्यूमेंट्स टाइप कर सकते हो। यहाँ पे शीट्स देखिए, हाँ आप एक्सेल जैसी शीट बना सकते हो, स्लाइड्स बना सकते हो, फॉर्म्स बना सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल है। और यहाँ पे खास बात ये है कि आपको यहाँ पे कुछ करना नहीं पड़ता है। अगर आपको वर्ड या एक्सेल चलाना नहीं आता है, तब भी आप यहाँ पे ऐसा कंट्रोल कर पाते हो, क्योंकि ये बहुत ही आसान है। और इसमें खास आसान बात ये है कि इसका जो गूगल डॉक्स है, यानी कि गूगल डॉक्यूमेंट्स, ये बहुत ही कमाल का है। इसमें कमाल ये है कि इसमें आपको लिखना नहीं पड़ता है, ये अपने आप लिख देता है। आप जो सोच रहे हो वो आपको लिख दे देगा, ठीक है। अब आपको सोचना कैसे और ये लिखेगा कैसे, चलिए तो इन्जॉय करते हैं इसे थोड़ा सा। डॉक्स पे क्लिक करिए यहाँ पे, और यहाँ पे गो टू पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए इसकी कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। अगर आप पहले से रिज्यूम या लेटर टाइप करना चाहते हो, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। प्रपोजल लिखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप इसे रिडिजाइन कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे ब्लैंक कॉपी लेना चाहता हूँ एक। ये देखिए ये बिल्कुल वर्ड जैसा लग रहा है, लेकिन वर्ड जैसा इसमें कोई बात नहीं है। वर्ड थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आपको चलाना नहीं आता है तब भी काम करता है, अगर आपको टाइपिंग नहीं भी आती है तब भी टाइप करता है। चलिए तो कैसे करता है, इस टूल पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप देख पा रहे हो वॉइस टाइपिंग। इससे होगा ये, आप जो सोचोगे, आप जो बोलोगे वो ये टाइप करेगा। सोचना मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा आवाज करके सोचना है, बोलती हुई सोचना है। तो आई एम सॉरी, इट पूरा का पूरा टाइप कर लेगा। इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे अपनी भाषा को सिलेक्ट करिए कि आप किस भाषा में टाइप करना चाहते हो। तो यहाँ पे इंग्लिश है, तो मैं इसे हिंदी में टाइप करके दिखाना चाहता हूँ आपको, क्योंकि हमारी भाषा हिंदी है और इंडिया में मोस्ट बहुत से लोगों की हिंदी भाषा होती है, हिंदी भाषा को पसंद करते हैं, बहुत सारे लेटर हिंदी में टाइप होते हैं। चलिए तो हिंदी करते हैं। ये देखिए हिंदी मिल गई है, इस पर क्लिक करिए आप और यहाँ पे क्लिक टू स्पीक। जैसे हम बोलेंगे तो हमें पहले इसे ऑन करना पड़ेगा इस पर क्लिक करके। तो पहले मैं आपसे बोल देना चाहता हूँ, ये गूगल ही बोलता है और ये मैं भी बोल रहा हूँ, कि आपके पास अगर एक हेडफोन हो अपने फ़ोन की, तो आप उसे प्लग इन कर लीजिए। इससे होगा ये कि आपकी आवाज़ को अच्छे से पकड़ेगा, आपकी कोई भी वर्ड मिस नहीं करेगा। अगर आप अच्छा माइक्रोफोन यूज नहीं कर रहे हैं तो आपकी आवाज़ को छोड़ भी सकता है। तो मैंने यहाँ पे अपना एक जियोनी फ़ोन था, उसका हेडफोन यूज किया है, वो भी उसके साथ आया था, मैंने अलग से नहीं खरीदा, वो अच्छा वर्क करता है इस पर। तो आप अपने फ़ोन का हेडफोन भी यूज कर सकते हो, इट्स अमेजिंग है। चलिए तो क्लिक करिए इस पर। नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? दुनिया कितनी रंगीन है, आपको इस रंगीन दुनिया में सबसे अच्छा कलर कौन सा लगता है? मुझे तो इस दुनिया में सबसे अच्छे आप लगते हो। पूछो कैसे? अरे आप बहुत स्मार्ट हो यार, मेरी बुरी सी बुरी वीडियो को अच्छे तरीके से देख लेते हो, ज्यादा से ज्यादा डिसलाइक करने की बजाय आप लाइक देते हो, कितनी अच्छी किस्मत है मेरी। चलिए बंद करते हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने जो भी वर्ड बोला था, इसने एक भी मिस नहीं किया और फुल उसे टाइप कर लिया है। अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है और आप हिंदी टाइपिंग का कोर्स कर भी लेते हो और आप तब भी स्पीड से टाइप नहीं कर पाते हो, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। आई एम श्योर आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। इस फाइल को आप सेव भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, इसे वर्ड में फिर से इस्तेमाल कर सकते हो, फिर से एडिट कर सकते हो, डायरेक्ट अपने किसी बंदे के लिए मेल कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, इसका पेज सेटअप बना सकते हो। ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल टूल है। चलिए चलते हैं, बाय।